हेलो बच्चों, कैसे हो? माई सेल्फ दीपक भोला, टीम फिजिक्स सीएलसी कर। तो देखो बेटा, अपना जो कारमा है डीसीएम का, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच गया है? अपन 34 तक पहुंच गए आउट ऑफ 42, मतलब लगभग 80% के समथिंग आपने अपने रिवीजन कवर कर लिया है इन माइनर टेस्ट एंड मेजर टेस्ट के थ्रू। ठीक है, तो आज अपन यहाँ डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, इनके सॉल्यूशन को। ठीक है, जो आज आपका पेपर हुआ है इसके अपन सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मानता हूं आपका पेपर सारे अच्छे हो रहे होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से लगे रहिए। तो चलो आगे चलते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है कि यहाँ पे इस तरह से एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी डिस्टेंस एस इज ग्रेटर देन 2f है, मतलब इसका जो 2f है उसके बियॉन्ड रखा है, उससे दूर रखा है ऑब्जेक्ट। तो उसकी इमेज किस तरह की बनेगी ये आपको बताना है। मतलब आप ये सोचिए कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ रखा हुआ है, इसका यहाँ पे 2f होता है, ये 2f। ठीक है, और यहाँ पे कोई ये f है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ यहाँ से इधर दूर रखा हुआ है इस तरह से। मान लो बच्चों ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इस तरह से रखा हुआ है ये। अब बच्चों यहाँ पे ये लेंथ x सोचे, ये लेंथ y, तो यहाँ पे ये जो y है ये जितना दूर होगा इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है, ये इनफाइनाइट की तरफ है, तो इसकी इमेज क्या बनेगी, किस तरफ बनेगी इमेज, f की तरफ। और इमेज कैसी होगी, छोटी होगी, क्योंकि जितना ज्यादा दूर होगा इनफाइनाइट की तरफ होगा इमेज उतनी ही यहाँ पे फोकस की तरफ बनेगी एंड छोटी बनेगी। तो y की इमेज क्या बनेगी, यहाँ पे उल्टी बनती है छोटी साइज की। फिर जैसे अपन इधर आते मिरर की तरफ, ठीक है, तो ये जो x वाली साइज है ये बनती है भी छोटी है, लेकिन y के रेस्पेक्ट में थोड़ी सी क्या होती है, बड़ी। y के रेस्पेक्ट में थोड़ी बड़ी होगी, मतलब कुछ इस तरह से, ये इस तरह से आप समझ सकते हैं ये शेप आएगी। ठीक है, मतलब x वाले की इमेज बनेगी इस तरफ, नहीं ये तो y वाली होगी, ये y बनेगी इस तरफ और ये x वाली बनेगी इस तरफ। तो इस तरह से अपन देख रहे हैं ये इमेज बन रही है कौन से ऑप्शन में, मतलब इधर की इमेज छोटी है, इधर की इमेज बड़ी है, किसमें आ रही है, सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, मतलब देखिए बेटो, ये ए बी वाले की इमेज बनेगी इस तरफ एंड उल्टी, मतलब ए ऊपर है नीचे आएगा ए डैश, ठीक है, बी नीचे है ऊपर आएगा बी डैश, तो इधर वाले की इमेज बनेगी उस तरफ, ठीक है, और इधर सी डी की इमेज बनेगी इस तरफ एंड उल्टी बन रही इमेज, तो कौन सा आंसर आ गया, सेकंड। ठीक है, चलो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्या कह रहा है इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखो क्या कहता है आपसे। आपसे कह रहा बच्चों यहाँ पे इस तरह से प्रिज्म है, यहाँ पे ग्रे आ रही है और यहाँ पे टकरा कर वापस अपने पाथ पे लौट जाती है। ठीक है, तो हमें इसका म्यू बताना है, क्या होगा ये म्यू, ठीक है, इस म्यू की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ये आपको इसका प्रिज्म एंगल गिवन है 45 डिग्री, मतलब ये एंगल आपको, अच्छा ये 45 डिग्री गिवन है और ये इसका प्रिज्म एंगल कितना है, 30 डिग्री, मतलब ये एंगल 30 है। अब ये एंगल 30 है तो इधर से ये एंगल कितना हुआ, 60। अब ये एंगल 60 है तो इधर से ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना आएगा बेटा, ये आएगा 30 डिग्री। ठीक है, मीन्स नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है ये एन एन नॉर्मल है। ठीक है, इस पर अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बाहर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 है। तो देखिए 1 into sin 45 क्या होता है स्नेल्स लॉ, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब म्यू 1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2, ये अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट, मतलब ये बाहर मीडियम, इसका म्यू 1 क्या है, 1 into sin theta 1, साइन 45 जो कि होता है 1/√2 इज इक्वल टू म्यू 2 जो कि म्यू है, इंटू साइन थीटा 2 जो कि 30 है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक है, तो यहां से म्यू फाइंड करेंगे तो 2 को उधर ऊपर ले आओ तो 2/√2, तो क्या आ गया रिजल्ट, √2, तो कौन सा ऑप्शन, √2 फर्स्ट। ठीक है, ये बन जाएगा इसका रिजल्ट, बात पल्ले पड़ी। चलो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहां पे आप थर्ड में कह रहा है कि एक फोकल, एक यहां पे कॉनवेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि एक इमेज, आप इसके चार ऑप्शन बता रखे कि ऑब्जेक्ट कहां रखा, इमेज कहां बनेगी। देखिए इस तरह से आप बताए, ये एक कॉनकेव मिरर है, कॉनवेक्स मिरर है, मतलब उत्तल दर्पण है, कॉनवेक्स मिरर। ठीक है, इसमें बच्चों ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से लेकर ओ तक कहीं भी हो, ये ओ ऑप्टिकल सेंटर या पोल, मान लो चलो पी है, पोल है। ठीक है, इनफाइनाइट से पी के बीच ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, ठीक है, इमेज हम देखते हैं कहां से कहां, यहां पे ये जो फोकल पॉइंट है यहां से पी के बीच इधर बनती है इमेज हमेशा। ठीक है, यहां से मतलब ऑब्जेक्ट को आप यहां से इधर शिफ्ट करोगे, इमेज इधर शिफ्ट होगी, क्लियर। अब आपसे कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर की पे ऑब्जेक्ट रखा है अपने, 20 सेंटीमीटर पे,
ऑब्जेक्ट को अगर आप 20 सेंटीमीटर पर रखोगे इस जगह, तो इमेज जो कह रहा है कि 20 पे बनेगी, नहीं बनेगी 20 पे, मतलब यहाँ पे फोकल लेंथ, ये डिस्टेंस कितनी है 20 है, इसका फोकल लेंथ कितनी है 10 है, तो 20 कहाँ होगा, कहीं ना कहीं यहाँ होगा 20, इस जगह 20 होगा, गलत बात बनी नहीं सकती, क्योंकि इमेज तो केवल कहाँ बनती है एफ से पी के बीच, तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया, पहला कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहे हैं तो इमेज यहाँ बनेगी, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, इमेज तो केवल यहाँ से यहाँ तक ही बनती है। दूसरा कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखे तो इमेज इन्फिनिटी बनेगी, देखिए अगर ऑब्जेक्ट आप यहाँ रख रहे हो 10 पर तो इमेज क्या बनेगी, इमेज देखो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बनती है कहाँ पे, एफ पे। अब आप ये सरकाते सरकाते 10 पे लेके आओगे तो इमेज सरकते सरकते इधर कहीं आएगी, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहीं ना कहीं यहाँ बनेगी इस जगह, तो पहला भी रॉन्ग है, दूसरा भी रॉन्ग है, तो इसका दोनों स्टेटमेंट ही क्या है रॉन्ग है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, इसलिए आंसर क्या टिक करेंगे, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ रॉन्ग है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी काफी प्यारा क्वेश्चन है, देखिए आपसे कह रहा है एक्स जेड तले, ठीक है एक्स जेड प्लेन, उसमें यहाँ पे ए एंड बी मीडियम में इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे 1.5 एंड μ2 इक्वल 2, ठीक है तो क्या है समझे, इस तरह बच्चों यहाँ पे ये कोई प्लेन है एक्स जेड प्लेन, इसको अपने एक्स जेड प्लेन बोल दिया, ये एक्स जेड प्लेन है, ठीक है एक्स जेड प्लेन, ठीक है इसमें इधर एक्स एक्सिस है, ये ले लिया अपने वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है ये वाई एक्सिस एंड ये एक्स एक्सिस, ये पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स जेड प्लेन है, ठीक है एक्स जेड प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मतलब कुछ इस तरह आप सोच सकते हैं, अगर आप दिमाग लगाएं 3D के फॉर्म में सोचें, ये पूरा बेटा एक्स जेड प्लेन है, ये पूरा एक्स जेड प्लेन है जिसमें एक्स एक्सिस अपने शो कर दी, ये एक्स एक्सिस है, इधर कहीं ना कहीं ये जेड एक्सिस होगी, इस तरह से ये जेड एक्सिस, कहीं ना कहीं ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब आपसे कह रहा है कि इसके अंदर यहाँ पे एक जो रे है 1 मीडियम से 2 मीडियम में जा रही है, ठीक है मतलब कुछ इस तरह से आ रही है रे, यहां से अपन देखें इस तरह से, देखो बेटा यहां से ये रे इधर आ रही है, ठीक है और उसके बाद यहां अंदर गई, इस नीचे दूसरे मीडियम में जा रही है, इस तरह से वाई एक्सिस से नीचे एंगल बन रहा है ये, इस तरह से, क्लियर ये कंडीशन आपको दे रखी है। अब इसमें आप देखें इनमें वेक्टर, ये एंगल क्या होगा इसका, ये एंगल होगा, ठीक है आई एंगल, और ये एंगल होगा इसका आर एंगल, एंगल आई एंगल आर, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5, म्यू इक्वल टू 1.5 गिवन है, और इसका म्यू इक्वल टू कितना गिवन है आपको, इधर वाले का म्यू गिवन है आपको 2, ठीक है ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब इस रे को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर है ए आई कैप बी जे कैप, तो ए आई कैप बी जे कैप के अकॉर्डिंग देखें, मतलब यहां पे आई का मल्टीप्लायर ए है, जे का मल्टीप्लायर बी है, मतलब यहां से अगर अपन देखें एक ट्राइंगल की फॉर्म में अगर सोचना चाहें इस तरह से, ये ट्राइंगल की फॉर्म में, ठीक है तो यहां से इसके अंदर देखिए, इधर ये जो रे है इसका जो एक्स कंपोनेंट है आई वो कौन है ए, मतलब ये लेंथ तो कितनी है ए, और ये लेंथ कितनी है इसकी बी है, ठीक है एक्स के अलोंग ए वाई के अलोंग बी है, ऐसे यहां पे ये वाली जो रे जा रही है इसके अंदर सी एंड डी बोला गया है, ठीक है यहां पे अगर अपन एक ट्राइंगल बनाए, ठीक है ये ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल में एक्स के पैरेलल कौन है बच्चों सी, ये लेंथ आपको दे रखी है सी, और ये लेंथ आपको दे रखी है डी, ये लेंथ सी एंड डी ये दे रखी है सी एंड डी, ठीक है अब यहां पे हमें इसमें क्या फाइंड करना है, तो देखो यहां पे हम लगाएं इस पे स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग बताया था म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो म्यू 1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2, तो म्यू 1 कितना है 1.5 इनटू साइन आई, म्यू इनटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 इनटू साइन आर, तो म्यू 2 कितना है यहां पे 2 इनटू साइन आर, ये लगा दिया अपन ने साइन आर, ठीक है अब यहां पे साइन आई, बेटा ये एंगल आई है, ठीक है ये एंगल आई है, तो यहां से अपन देखते हैं ये एंगल आई, इधर से ये एंगल बनेगा आई, ठीक है ये एंगल आई, ये एंगल आई हो गया, आ रही समझ में, अब यहां पे इस एंगल को हम समझे साइन आई, साइन आई इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब लंब बटा कर्ण, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर कौन है, देखिए ये थीटा, इसके सामने परपेंडिकुलर कौन है ए है, ए तो ये ए अपॉन इसका कर्ण, हाइपोटेनस क्या बनेगा ये लंबाई, मतलब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन ने कर दिया, ठीक है उसके बाद फिर आगे ये टू
इनटू साइन आर, ऐसे बच्चों उसको साइन आर निकालेंगे, साइन आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर मतलब लंब कौन है यहाँ पे सी है, ठीक है, और इसका हाइपोटेनियस कितना बनेगा ये लेंथ जो कि रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों यहां पे ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है ये चीज, यूनिट वेक्टर गिवन है आपको, तो इसका मतलब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है वन है, ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड वन, ऐसे ही इसका जो मैग्नीट्यूड है ये भी मैग्नीट्यूड कितना बनेगा वन, ठीक है, ये भी मैग्नीट्यूड वन बनेगा रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये भी वन है ये भी वन है, तो वन से वन कैंसिल, ठीक है। तो यहां पे 1.5 को हम क्या रखेंगे 3 बाई 2 कर दो, इसको कर दिया 3 बाई 2 ए इज इक्वल टू 2 सी, ठीक है, तो यहां से ए अपॉन सी निकालेंगे तो ए अपॉन सी की वैल्यू क्या जाएगी, क्या आएगी 4 बाई 3, ठीक है, ए अपॉन सी की वैल्यू क्या आ गई 4 बाई 3 के इक्वल, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या जाएगा इसका आंसर, फिर 4 बाई 3 मतलब कौन सा आंसर टिक करेंगे फर्स्ट ए बाई सी इज इक्वल टू 4 बाई 3, ठीक है, आ गया, मस्त क्वेश्चन है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में आपसे कह रहा है कि इस तरह से ये पी एंड ये एफ है, ठीक है, तो यहां से बच्चों इसके अंदर ये फिश है, यहां पे फिश तो इस जगह रेस्ट कंडीशन में, ऊपर से यहां पे एक पॉइंट सोर्स से नीचे आ रहा है मूव करते हुए 3 मीटर पर सेकंड से, तो हमें यहां बताना है कि इस फिश को इसकी स्पीड कितनी प्रतीत होगी, क्या पता चलेगी इसको स्पीड वो निकालनी है। तो देखो बेटा यहां पे हम एक काम करें, इस डिस्टेंस को मैं ले लेते हैं x, सपोज ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस x ये डिस्टेंस y, ठीक है, तो यहां से फिश के रेस्पेक्ट में जो वर्चुअल डिस्टेंस होगी आभासी दूरी l डैश क्या होगी, किसके रेस्पेक्ट में, फिश के रेस्पेक्ट में, तो बेटा जो खुद के मीडियम में डिस्टेंस है वो तो वही फील होगी फिश को, मतलब y तो क्या रहेगा y, लेकिन x की वैल्यू क्या फील होगी, ये होगी म्यू इंटू x, ठीक है, क्योंकि दूसरे मीडियम में, क्योंकि देखो बेटा ये डेंसर मीडियम में है ये रेयर मीडियम में, तो रेयर मीडियम में जो डिस्टेंस मिलेगी आपको x की क्या मिलेगी म्यू इंटू x मिलेगी, ठीक है। अब बच्चों यहां पे इसमें देखिए अगर मैं इसका करूं डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में अवकलन करें तो वेलोसिटी एल डैश मतलब आभासी लेंथ है, इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगी आभासी वेलोसिटी वर्चुअल वेलोसिटी, ठीक है, वर्चुअल वेलोसिटी y तो कांस्टेंट है ये तो चेंज हो नहीं रहा ये तो फिक्स है जीरो, फिर म्यू x, x चेंज हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी को ये बोल दिया अपन ने v, तो बस अब यहां पे रख दो आपको म्यू कितना गिवन है वाटर का म्यू 4 बाई 3, वाटर का म्यू कितना बेटा 4 बाई 3 के इक्वल है, ठीक है, तो यहां से इसके अंदर 4 बाई 3 इंटू v, v हमें कितना गिवन है 3, तो यहां से 3 से 3 कैंसिल क्या जाएगा रिजल्ट 4, तो कौन सा आंसर आ गया ये थर्ड, ये इसका आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपसे कह रहा है कि एक पारदर्शी छड़ एक ट्रांसपेरेंट रोड है, ठीक है, इसमें एक लाइन एक रे एंटर कर रही है कुछ इस तरह से, देखिए डायग्राम समझे यूं कहना चाहता है इस तरह से एक मतलब एक तरह से ऑप्टिकल फाइबर वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये ऑप्टिकल फाइबर, यहां से इस तरह से एक रॉड है, यहां से बेटा इसके अंदर देखिए इस तरह से एक रे इस पे एंटर कर रही है और अंदर जाके यहां पे जाके ये इसके पैरेलल मूव करती है मतलब बाहर नहीं निकलती है, ठीक है, बाहर नहीं निकलती, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको n1, ये आपको n दे रखा है जो हमें फाइंड करना है, और बाहर एयर है तो n2 इज इक्वल टू 1, तो बेटा हम ऑप्टिकल फाइबर में एक चीज जानते हैं ये रे बाहर ना निकले तो उसके लिए साइन थीटा इज लेस देन रूट ऑफ n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे इसमें देखो थीटा की वैल्यू आपको यहां पे जो गिवन है अपवर्तनांक म्यू दे रखा है, तो देखो यहां से चलो सॉल्व करें साइन थीटा की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन सकती है बताओ, कितनी बन सकती है 1, उससे बड़ा तो नहीं सकता, तो साइन थीटा को अपन यहां पे रख दिया 1, ठीक है, साइन थीटा की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 1 बन सकती है, तो रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि यहां पे n1 तो n है, यहां पे इसको ये n1 माइनस n2 होता है, ये n1 माइनस n2, ठीक है, n1 माइनस n2 करना इसको, n1 माइनस n2 ये n1 माइनस n2, ठीक है, तो ये n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ये कर दिया अपन ने, तो यहां से देखिए अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 1 इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इसको इधर ले आओ, ठीक है, और यहां पे n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पे
टू, मतलब एन इज इक्वल टू कितना आया रूट टू। तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू रूट टू के करस्पॉन्डिंग देख लो कौन सा आंसर है, ये आ जाएगा फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे लेस देन ग्रेटर मैंने इक्वल कर दिया था तो उससे इक्वल साइन आ गया, बट यहाँ पे इसका यूज करते चलेंगे तो एन ग्रेटर देन रूट टू ये बन जाएगा रिजल्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, आपसे कह रहा है कि आप इस तरह से प्रिज्म एक, ठीक है, इसमें हमें टोटल एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है, कुल विचलन कोण ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे ये रे सीधी आ रही है, ये अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो रे इधर किधर जा रही थी, इस तरफ, ठीक है, फर्स्ट टाइम ये इधर डेविएट हुई इस तरफ, ये इस तरफ बेंड हुई, ठीक है, ये इस तरफ बेंड हुई, इसका डेल, इसको बोल दिया हमने डेल वन, फर्स्ट डेविएशन हुआ इसका डेल वन, किधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हम देख रहे हैं ये क्लॉकवाइज घूम रही है इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस डेल वन की वैल्यू क्या होगी कि बेटा एंगल स्मॉल है प्रिज्म एंगल, यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रिज्म एंगल की वैल्यू ए हमें कितना गिवन है यहाँ पे 4 डिग्री, जो कि वेरी स्मॉल है। जब प्रिज्म एंगल स्मॉल होता है तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालते हैं ए इंटू म्यू माइनस वन से, तो ए इंटू म्यू माइनस वन की हेल्प अगर अपन ले तो ए तो यहाँ पे कितना है 4 डिग्री, म्यू माइनस वन, म्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 1.5, तो 1.5 माइनस वन करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है 2 डिग्री क्लॉकवाइज ये रे बैंड हो रही है, ये अपने निकाल लिया। उसके बाद फिर हम देखें आगे, देखो फिर यहाँ पे इस जगह टकराई है, ये मिरर है मिरर, तो यहाँ पे जिस एंगल पे ये आ रही है उसी तरह से ये एंगल, ये डेल वन वही क्या होगा यहाँ पे आई, इस आई की वैल्यू क्या होगी ये। उसके बाद बेटा फिर ये रे इस तरफ जा रही थी आगे, लेकिन ये घूम गई इस तरफ, ये हो गया नेक्स्ट डेविएशन डेल टू, जब अपन पढ़ते हैं ना मिरर से डेविएशन फ्रॉम मिरर, समतल दर्पण से विचलन, तो यहाँ पे रे इधर जा रही थी इधर बैंड हो गई, ठीक है, तो यहाँ से सेकंड टाइम जो डेविएशन हुआ है मिरर से, वो मिरर से हो रहा है, इसलिए क्या लगाएंगे 180 माइनस 2i, तो 180 माइनस 2i का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे पुट करें वैल्यू 180 माइनस 2i, तो 180i कितना है पे डेल वन के इक्वल, एंड डेल वन कितना है 2, डेल वन यहाँ पे 2 है, तो 180 माइनस 2 इंटू 2 डिग्री कितना हो गया ये 176 डिग्री, ये भी किधर है क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज है, देखो ये भी डेल टू भी क्लॉकवाइज घूम रही है, ये भी क्लॉकवाइज आ रहा है डेल टू, ठीक है, तो डेल वन भी क्लॉकवाइज डेल टू भी क्लॉकवाइज, तो यहां से अगर डेल नेट निकालें तो डेल नेट दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो ऐड कर देंगे तो 2 डिग्री प्लस 176 डिग्री ऐड करिए कितना आ गया 178 डिग्री क्लॉकवाइज, ये दोनों ही क्लॉकवाइज थे, रिजल्ट भी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है, तो क्या आ गया आंसर 178 क्लॉकवाइज, ये टिक करेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है देखिए, आपसे कह रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट है जो स्फेरिकल मिरर के सामने यू डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है, और इसका जो इमेज बन रही है वो 6 times large है, ठीक है, 6 times large एंड इरेक्ट है, मतलब सीधी इमेज बन रही है 6 times large, तो यहाँ पे फोकल पॉइंट एंड ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, तो अपन जानते हैं बेटा यहाँ पे m इज इक्वल टू होता है f/f - u, ये अपन जानते हैं m कितना गिवन है, m आपको ऑब्जेक्ट की इमेज जो बन रही है सीधी बन रही है 6 times, m गिवन है +6, m यहाँ पे +6 गिवन है, ठीक है, क्योंकि आपसे कह रहा है इरेक्ट इमेज है इसलिए m पॉजिटिव हो गया, एंड 6 times है इसलिए +6 लिख दिया अपन ने, ठीक है, और यहाँ पे इसमें f/f - u, अच्छा यू समझ लो बच्चों, देखो कि यहाँ पे स्फेरिकल मिरर है जिससे इमेज लार्ज बन रही है, लार्ज इमेज हम जानते हैं किससे बनती है कॉनकेव मिरर से, ठीक है, कॉनकेव मिरर से, और उसकी फोकल लेंथ क्या होती है नेगेटिव, तो एक काम करें एफ को अपन रख देते हैं नेगेटिव, क्योंकि कॉनकेव मिरर है ना, एफ नेगेटिव होगा तो एफ को रख दिया मैंने नेगेटिव, ठीक है, ये लो नेगेटिव। अब डिस्टेंस यू, कोई भी ऑब्जेक्ट है सामने होता है तो उसकी डिस्टेंस हमें नेगेटिव लेनी पड़ती है, तो इसलिए यू कोई डिस्टेंस भी अपने नेगेटिव ले ली, ये लो माइनस यू की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है सामने उसकी डिस्टेंस नेगेटिव होगी, तो चलो अब यहां से अपन देखें इसमें क्या हो जाएगा ये चलो देखो माइनस 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 सारे कट जाएंगे तो क्या रिजल्ट फॉर्म वही बन जाएगा f/f - u, ठीक है, मतलब साइन कन्वेंशन नहीं भी लगाता ना आप तो भी गलती है सही रिजल्ट आ ही जाता, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6f - 6u इज इक्वल टू क्या आया f, ठीक है, तो यहां से 6u इज इक्वल टू क्या बनेगा 5f, तो यहां से u इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, तो देखिए यहां से गया 6u/6u = 5f, ठीक है, 6u = 5f, तो यहां से अगर मैं f की वैल्यू फाइंड करूं
तो एफ इज इक्वल टू कितना बनेगा, 6u अपॉन 5 किसकी वैल्यू आ गई, एफ की वैल्यू 6u अपॉन 5। अब हमें निकालना क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट एंड फोकस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। जैसे इस तरह से बच्चों यहां पे कोई है कॉनकेव मिरर आपको दे रखा है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, यहां पे ये एफ पॉइंट है, ये फोकल पॉइंट, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां बच्चों देखो एफ जो है यू से ज्यादा आ रहा है, बोला एफ ये है, कहीं ना कहीं यहां पे ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहां से ये डिस्टेंस तो कितनी है, 6u/5, ठीक है, एंड ये डिस्टेंस कितनी है बेटा u। हमसे क्या पूछ रहा है, इन दोनों के बीच में गैप, ठीक है, तो ओ एफ डिस्टेंस पूछ रहा है। तो यहां पे एफ ओ डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है ना, एफ ओ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये इसमें से माइनस कर दो, 6u/5 में से माइनस करेंगे u, तो कितना आएगा ये u/5। तो कौन सा आंसर आ रहा है, ये सेकंड ये आ जाएगा इसका आंसर u/5, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, चलो आए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, ये रहा आपसे कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर की गिवन है। तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां रखें जिसके उसका प्रतिबिंब दुगना और वास्तविक बने, ठीक है, डबल साइज का हमें इमेज चाहिए, और कैसा चाहिए, रियल। तो रियल इमेज तो हम जानते हैं उल्टी बनती है, ठीक है, तो इसलिए यहां पे एम आपको कितना गिवन है, -2। तो समझो वापस वही फॉर्मूला जो भी पिछले क्वेश्चन लगाया अपन ने, एम इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन एफ माइनस यू, ठीक है। एम हमें गिवन है यहां पे, डबल साइज बोलिए लेकिन रियल इमेज बोल दी, रियल इमेज इन्वर्टेड बनती है, इसलिए एम का मान -2 लेंगे, ठीक है। अब यहां पे फोकल लेंथ कितनी है, 20, तो एफ को रखेंगे -20 क्योंकि कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। और जो यहां पे u हम जानते हैं नेगेटिव, तो ये डिस्टेंस नेगेटिव, मान लो डिस्टेंस x डिस्टेंस पे रख रहे हैं तो x हमें निकालनी है, ठीक है। तो बेटा यहां पे इसमें देखिए -2 इज इक्वल टू, ये माइनस 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 कट जाएंगे, तो 20 अपॉन 20 माइनस एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहां पे कितना जाएगा, -40 + 2x = 20, ठीक है। तो यहां से 2x = कितना हो गया, 60, तो यहां से x = कितना हो जाएगा, 30, तो कौन सा आंसर आ गया, फर्स्ट, ठीक है। मिरर से कितनी डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपको ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, आपसे कह रहा कि इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज की जो इमेज यहां पे जो इमेज की शेप है उसके बारे में आपको बताना है। अब बच्चों देखो यहां पे जो ऑब्जेक्ट है ये सी मतलब 2f, ठीक है, इससे बियॉन्ड है, ठीक है, दूर रखा हुआ है सी से, डबल दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो हम जानते हैं इसकी इमेज क्या बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच बनेगी। और ऑब्जेक्ट बच्चों अगर यहां पे सी से अवे होता है, दूर होता है, तो इमेज जो बनती है सी और एफ के बीच में छोटी साइज की इमेज बनती है, ठीक है, छोटी साइज की इमेज बनती है। तो इसलिए यहां पे ए बी जो साइज है और जो ई डी साइज है दोनों के मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन वन आएगी, तो कौन सा आंसर आ गया, फर्स्ट, ठीक है, ओके। चलो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा आपसे कह रहा है कि इस तरह से बच्चों यहां पे एक प्लेन मिरर है, यहां पे आपने बीकर में वाटर भर लिया है, तो हमें यह बताना है कि इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी वो उसकी पोजीशन कहां होगी, मिरर से कितनी दूर होगी। तो देखो इसके लिए बेटा हमें नॉर्मल शिफ्ट का यूज करना पड़ता है, ठीक है, अभिलंब विस्थापन का। कैसे, पहले बच्चों ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है, तो यहां से ऑब्जेक्ट है तो उसका नॉर्मल शिफ्ट कहीं ना कहीं यहां आएगा इस जगह, ठीक है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर यह नॉर्मल शिफ्ट को मान लो ये थिकनेस ये टी, बोल नॉर्मल शिफ्ट को लो टी है, नॉर्मल शिफ्ट कितना है टी, या इसको डेल्टा टी बोल लो, ठीक है, मान लो नॉर्मल शिफ्ट बढ़ते उसका डेल्टा टी है, नॉर्मल शिफ्ट डेल्टा टी। इस डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये अगर थिकनेस टी है 10 सेंटीमीटर, तो नॉर्मल शिफ्ट जो होता है डेल्टा टी इज इक्वल टू टी ब्रैकेट में 1 - 1/μ होता है। तो यहां से टी हमें कितना दे रखा है 10, 1 - 1/μ, म्यू कितना है 4/3 रखेंगे, तो 3/4, तो 1 में से 3/4 माइनस किया 1/4, तो 10 × 1/4 मीन 2.5, ठीक है 2.5 सेंटीमीटर, क्लियर। अब यहां पे इमेज बनी है, मतलब ये नॉर्मल शिफ्ट की वजह से यहां बनी इमेज I1। अब ये इमेज इस मिरर के लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी, तो ये ऑब्जेक्ट यहां से कितनी दूर है, ये देखें यू प्लेन मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट है इस यू की डिस्टेंस कितनी आ रही है, ये टोटल जो डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर
इसमें से डेल्टा टी माइनस कर दो, 15 में से माइनस कर देंगे 2.5 को, तो कितना आया 12.5। अब हमने देखा मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जो है 12.5 पर है, तो इमेज भी इतनी ही दूर बनेगी उसके पीछे, क्योंकि मिरर के सामने जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर इमेज बनेगी यहां पे इस जगह, यहां इसकी इमेज की अगली इमेज मतलब यहां बनेगी आई टू इस जगह। तो हमसे यही तो पूछता है इसके बारे में, तो ये भी कितनी आ जाएगी, ये भी इसकी वैल्यू मतलब वो जो इमेज की डिस्टेंस है वो यू के बराबर बनेगी, मतलब कितनी आ रही है 12.5। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है 12.5 वाला, सेकंड, तो आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहा है आपसे, अरे तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 6 फीट लंबाई का एक आदमी है, इसको अपनी कंप्लीट इमेज देखनी है, तो जो मिरर चाहिए वो कितना चाहिए, 3 फीट का। ठीक है, जो हम जानते हैं ना डी इक्वल टू एच बाई टू होता है, हाफ साइज के मिरर की रिक्वायरमेंट होती है, तो 3 फीट। चलो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि दो अभिसारी लेंस मतलब दो कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है कि किरण मतलब वो इस तरह से किरण जाता है कि यहाँ पे दो कन्वर्जिंग लेंस है, इस तरह दो कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई रे इस तरह से आ रही है, इस तरह से, क्लियर। अब यहाँ पे इस पे रिफ्रैक्शन के बाद ये इधर गई, ये इधर गई, और यह जाने के बाद ये वापस इधर निकलनी चाहिए रे, ऐसे बोल रहा है कि बाद में भी पैरेलल जा रही है रेज इस तरह से। ठीक है, अब ये रे पैरेलल जा रही है, तो देखो फर्स्ट की फोकल लेंथ F1 है मान लो, ये F2 है, तो फर्स्ट का जो फोकल पॉइंट यहां होगा इस जगह F, ठीक है, इसका भी फोकल पॉइंट कहीं ना कहीं यहां आएगा, तो दोनों के फोकल पॉइंट सेम पोजिशन पे होंगे। ठीक है, इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी है F1, ये डिस्टेंस कितनी होगी F2, इधर वाले की फोकल लेंथ F2, तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी जाएगी F1 प्लस F2। तो ये पूछ रहे आपसे कि दोनों के बीच की न्यूनतम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी इज इक्वल टू हो गया F1 प्लस F2, तो F1 प्लस F2 कर देंगे तो कितना हो गया 80, तो कितना जाएगा 4th आंसर रहेगा इसका। ठीक है, चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को चेक करिए क्या कह रहा है आपसे, इसमें आपसे कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसकी रेडियस दोनों तरफ की रेडियस कितनी है 40 सेंटीमीटर है, हमें इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो सिंपल सा F इज इक्वल टू क्या होता है R/2μ-1, ये अपन जानते ही है। ठीक है, इस तरह से ये कॉन्वेक्स मिरर है जिसका कॉन्वेक्स लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, आर आर इसकी फोकल लेंथ होती है, आर आर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला ही होता है, बस अप्लाई कर दो, आर यहाँ पे आपको 40 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, रख दो दिया है तो क्या, जो म्यू में से माइनस वन करेंगे, 1.5 में से माइनस करो 1.5, तो नीचे 1 हो गया। ठीक है, तो 1 तो इसलिए क्या जाएगा आंसर 40 आ जाएगा, कौन सा आंसर दे रखा है, ये लो फर्स्ट आ जाएगा इसका आंसर, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, देखिए यहाँ पे 2 लेंस है, एक की पावर +12 है, एक की -2 है, दोनों साथ साथ रखें, इनकी नेट फोकल लेंथ बतानी है, तो बेटा यहाँ पे देखो नेट पावर पी नेट इज इक्वल टू, जब भी 2 लेंस पास पास रखे होते हैं तो नेट पावर क्या होती है P1 प्लस P2, मतलब 1/F नेट की वैल्यू P1 कितना दिया है 12, ठीक है, एंड P2 कितना गिवन है -2, रख देंगे कितना जाएगा ये 10, ठीक है, ये 10 आ गया, तो F net is equal to इसका इनवर्स कर देंगे तो 1/10 meter, तो कितना बन गया ये 10 centimeter, तो कौन सा आंसर है ये फर्स्ट, 15 का आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, ये देखा अपने, चलो आगे आते हैं 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यहां पे आपसे कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसका एक रियल इमेज बन रही है, अब लेंस को हम एक कॉनकेव लेंस के साथ टच कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा देखो कॉन्वेक्स लेंस को कॉनकेव के साथ टच करोगे तो यहां पे पावर की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि कॉनवेक्स की तो पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पे पॉजिटिव के साथ नेगेटिव अटैच करेंगे तो वैल्यू कुछ कमी कर देगा वो, तो यहां से पावर इज इक्वल टू, तो यहां से पावर की वैल्यू क्या होगी बेटा डिक्रीज, पावर यहां पे डिक्रीज होगी क्योंकि कॉन्वेक्स के साथ कॉनकेव को अटैच किया जा रहा है। हाँ, कॉन्वेक्स के साथ कॉन्वेक्स को ही रखते ना तो पावर प्लस प्लस की वजह से इंक्रीज हो जाती, लेकिन अभी तो यहां पे पावर डिक्रीज हो रही है, अब पावर डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यहां से फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी बेटा, फोकल लेंथ इंक्रीज होगी। अब देखिए यहां पे हम जो जानते हैं फॉर्मूला होता है 1/F = 1/V 1/V-1/U, तो यहां से हम देखें
यहां देखिए 1 अपॉन एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, 1 अपॉन वी, मींस एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है बेटा, वी है। तो यहां से अब हमने देखा कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू वी है, तो इसी का यूज यहां पे सोचें, तो बेटा यहां पे एफ अगर इंक्रीज हुआ है तो वी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज, वी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये चीज अपन देख ली। तो यहां पे क्या होगा, यहां जो सिस्टम से जो इमेज बन रही है वो सिस्टम से दूर हटेगी, दूर जाएगी, क्योंकि वी इंक्रीज हो रहा है, तो इमेज जो है वो लेंस सिस्टम से दूर हटेगी। ठीक है, ये आ गया इसका रिजल्ट सेकंड। ठीक है, तो देखो अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 इस टाइप से एक लेंस है, लेंस में अपन ने यहां पे बच्चों बीच में एक ब्लैक पेपर चिपका दिया है या स्पोर्ट्स को ब्लैक अपन ने पेंट कर दिया है। ठीक है, तो यहां पे आपसे कह रहा है कि अब क्या होगा, तो ये बेटा जैसे कोई मिरर है, ये सॉरी लेंस है, लेंस में अगर बीच में थोड़ा सा अपन ब्लैक पेंट कर दें तो केवल उससे क्या होता है, इसका ट्रांसपेरेंट एरिया कम हो जाता है, जिससे जो इमेज बनेगी ना उस इमेज की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इमेज की जो पोजीशन है जहां है वहीं क्यों रहेगी, और जो एक इमेज बन रही, सिंगल इमेज बन रही थी, सिंगल इमेज बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब बनेगी एक इमेज, ठीक है, उसकी बस इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां बन रही थी वही बनेगी, जितनी बड़ी बन रही थी उतनी बड़ी बनेगी। ठीक है, केवल क्या फर्क पड़ेगा उसकी इंटेंसिटी पे, तो इसका आंसर क्या आएगा इसका, फर्स्ट। ठीक है, एक इमेज बनेगी बस, और कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपन देख रहे हैं। चलो आगे देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कह रहा है कि एक लेंस है, इसको अपने 3 पार्ट में कट कर दिया है, लेंस ए की पावर, मतलब पूरे लेंस की पावर पी है, तो ए की पावर क्या होगी, तो बेटा लेंस को अपन कटिंग करेंगे तो यहां पे इसकी जो पावर पे डिपेंड करती है, उसके मटेरियल पे और बोथ साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। तो जो ए वाला पार्ट है, कटिंग करने से पहले भी इधर की रेडियस आर, इधर की रेडियस आर थी, ठीक है, और जो उसका मटेरियल म्यू था वही पूरे जो लेंस का था वही ए का भी है, तो ना तो उसका मटेरियल चेंज हुआ, ना बोथ साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हुई। ठीक है, इसलिए रिजल्ट क्या आएगा इसका, वही पावर पी की पी रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ठीक है, इसका बीच का जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, बेटा बताओ बीच वाली इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म में बनती है, बड़ी इमेज, मतलब इस तरह से देखिए यहां पे क्या होता है, ये दो लेंस होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आईपीस लेंस। ठीक है, यहां बच्चों इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है इस जगह, तो यहां पे जो इसकी इमेज यहां बनती है इस जगह, ये फर्स्ट इमेज यहां बनती है, इसी बीच वाली इमेज जो कि हम देख रहे हैं इन्वर्टेड फॉर्म में आ रही है, मतलब इस तरह से अगर अपन देखें इमेज जो बनती है कुछ इस तरह बनती है इमेज। ठीक है, इस तरह से ये इसका रे डायग्राम होता है। ठीक है, इमेज यहां बन रही, बड़ी साइज की इमेज बनती है, बड़ी साइज की। ठीक है, तो क्या आता है, वास्तविक उल्टा वो आवर्धित, रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, बड़ी बन रही है। ठीक है, चलो अब देखें आगे क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है कि एक इसकी आवर्धन क्षमता पे क्या प्रभाव पड़ेगा जब इसकी लंबाई को अगर बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इसकी लेंथ को अगर अपन इंक्रीज कर रहे हैं तो इसकी आवर्धन क्षमता एम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बताना है मैग्नीफाइंग पावर पे। तो देखो अगर आप लेंथ को इंक्रीज करोगे, जैसे अभी आप बताया था मैंने, ये दो लेंस हैं, इसमें ये होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये होता है आईपीस लेंस। ठीक है, यहां बच्चों इसमें यहां पे जो ऑब्जेक्ट रखा होता है, ये ऑब्जेक्ट इसकी इमेज बनती है, यहां पे कहीं ना कहीं इमेज बनती है, ये इमेज बनती है, तो इसकी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को तो अपन क्या बोलते हैं, यू ओ, और ये डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं, ये यू ओ नहीं है, ये तो क्या होती है, वी ओ होती है, वी ओ, ये वी ओ, और ये क्या होती है, यू ई, वी ओ एंड यू ई। तो यहां पे एल इजक्वल टू, एल इजक्वल टू क्या होता है, वी ओ प्लस यू ई, ये आप जानते हैं लेंथ ऑफ इमेज, वी ओ, ये तो वी ओ है और ये यू ई है, वी ओ प्लस यू ई। ठीक है, अब अगर आपसे कह रहा है कि हम इसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, इसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, भले हम इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं, इस तरफ, इसको इस तरफ शिफ्ट करोगे तो यहां से यू ई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, तो एल को आप इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि शिफ्ट किसको करते हैं, इसको करते हैं। ठीक है, इस वाले लेंस को शिफ्ट करते हैं, इसको नहीं किया जाता, इसको शिफ्ट किया जाता है लेंस, जब भी लेंथ बढ़ानी हो तो इसको शिफ्ट करेंगे, तो यहां से एल को इंक्रीज किया तो आपने यू ई की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज, यू ई की वैल्यू इंक्रीज हुई। अब एम, बेटा एम अपन जानते हैं इसके फॉर्मूले में यू ई नीचे आता है, एम इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, यू ई, क्योंकि फॉर्मूले में यू ई नीचे आता है एम के फॉर्मूले में, तो यहां से एम क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज, क्योंकि यू तो ई तो इंक्रीज हुआ है, तो एम क्या होगा, डिक्रीज, तो क्या आएगा, ये डिक्रीज, क्लियर। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आपसे, इनकी फोकल लेंथ F1 F2 है, L1 L2 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी।
तो चलो देखो यहां पे इस जगह ये रे आ रही है, यहां से कहां से पास होगी, फोकस से, तो ये पॉइंट क्या होगा इसका, फोकल पॉइंट होगा। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ये क्या होगी, एफ वन, ठीक है। फिर अब यहां से ये रे आ रही है इस पे और आगे पैरल हो गई है, तो हम जानते हैं फोकस पे जो रे आती है, फोकस जो रे आती है वही आगे जाके ऑप्टिकल एक्सिस के पैरल हो जाती है, तो ये डिस्टेंस क्या बनेगी, एफ टू। तो हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन एल वन एंड एल टू क्या हो जाएगा, एफ वन प्लस एफ टू इक्वल, मतलब थर्ड आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, ये रहा 22। यहां पे आपसे कह रहा है कि इस तरह से एक बच्चों यहां पे शेप दे रखी है, ग्लास रॉड है, इसके एक तरफ ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी इमेज बतानी कहां बनेगी, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस अपन पढ़ते हैं, वक्र सतह से अपवर्तन, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, याद होगा आपको, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसकी वैल्यू अपन पुट करें तो यहां पे म्यू टू, ठीक है, तो म्यू टू कौन है, ग्लास, ग्लास के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 3/2 है, तो 3/2 रख दिया, येलो 3/2 रख दिया, ठीक है, किसका मान, म्यू टू का मान। वी, वी तो हमें निकालना है कि इमेज कहां बनेगी, ठीक है, तो देखो वी हमें निकालना है, तो वी को अपन ने वी रेंज दिया, वी तो हमें निकालना है। फिर माइनस म्यू वन, म्यू वन कितना है यहां पे, वन, वन रख दिया। यू, यू इसके सामने ऑब्जेक्ट है, सामने ऑब्जेक्ट होता है तो डिस्टेंस नेगेटिव ली जाती है, तो वी, यू कितना है बेटा, माइनस 15, तो माइनस 15 रख दिया मैंने, यू को माइनस 15, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, तो म्यू टू यहां पे कितना था, 3/2, 3/2 माइनस 1 अपॉन आर, आर कितना है, सी यहां पे, मतलब यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, और ये इसके दूसरी तरफ है, ठीक है। इसके सामने की डिस्टेंस तो क्या होती है, पॉजिटिव, पीछे की डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव, सॉरी उल्टा बोल गया, सामने की डिस्टेंस होती है नेगेटिव, इसलिए अपन ने यहां पे नेगेटिव लिया यू को, पीछे की डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव, तो आर को लेंगे पॉजिटिव प्लस 30, ठीक है, ये प्लस 30 अपन ले लेंगे इसको। बस अब इसको कैलकुलेट करना है, तो क्या जाएगा बेटा, देखो 3/2v ये हो जाएगा प्लस 1/15, प्लस 1/15 ये कितना हो गया, 3/2 में से 1 माइनस के 1/2 और ये गया 60, ठीक है। तो यहां से अब इसको मल्टीप्लाई किया, 3/2v इज इक्वल टू 1/60 माइनस 1/15, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। अच्छा ये 60, ये 60 है, 60, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो बेटा यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे v की वैल्यू ये आ जाएगी आपको 30 ऑप्शन होगी, ठीक है, माइनस 30, v की वैल्यू आ जाएगी माइनस 30, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, फ्रंट साइड को, मतलब सामने बनेगी, मतलब इसके लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो क्या जाएगा आंसर, 30 सेंटीमीटर बाई ओर, ठीक है, लेफ्ट साइड, मतलब सामने की तरफ, ठीक है, इस तरफ बनेगी, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है आपसे, देखिए 23 यहां पे इसमें ये रेज आ रही है, तो आपको बताना है कि किस तरह से इसमें आपको जो इसमें बीम मिलेगी, किस तरह की बीम मिलेगी, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, ये पूछा गया है। तो बेटा देखो यहां पे ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस अगर किसी रेयरर मीडियम में रखा होता है तो एज ए कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। मतलब बच्चों कॉन्वेक्स लेंस जो है, उत्तल लेंस, किसी एक विरल माध्यम में रखा हुआ है, ठीक है, रेयरर मीडियम में, तो वो एक अभिसारी लेंस की तरह बिहेव करता है, और अगर ये किसी डेंसर मीडियम में रखा हुआ है, मतलब बाहर वाला मीडियम डेंसर है, तो इसकी नेचर उल्टी हो जाती है, मतलब ये अब ये डाइवर्जिंग की तरह, अपसारी की तरह व्यवहार करने लगता है। तो देखिए यहां बच्चों पहले ऊपर से अपन देखें म्यू टू और ये म्यू वन है, तो म्यू टू की वैल्यू ज्यादा दे रखी है, म्यू टू की वैल्यू ज्यादा है और म्यू वन कम है, मतलब ये लेंस पे जो रे आ रही है, ठीक है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग की तरह, मतलब ये लेंस को इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है, ये डाइवर्जिंग की तरह शिफ्ट करेगा रेस को, ठीक है, मतलब यहां से अक्ष से दूर हटा रहा है। और बच्चों फिर आगे म्यू थ्री एंड म्यू वन को देखें, तो म्यू थ्री की वैल्यू कम है, म्यू थ्री की वैल्यू कम है, मतलब ये जो लेंस है एक विरल माध्यम में रखा है, रेयर मीडियम में, तो इस पर जो रेज आएंगी ये इनको क्या करेगा, एक्सिस की तरफ बेंड करेगा, इस तरह से एक्सिस की तरफ, ठीक है, एक्सिस की तरफ बेंड करेगा, मतलब यहां पे इनको इस तरफ बेंड कर रहा है, ठीक है। तो क्या मतलब है कि यहां पे इस तरह से बेंड करेगा, तो यहां पे जो रिजल्ट आएगा आप समझ सकते हैं, एक तो मिल रहा है हमें डाइवर्जिंग और एक मिल रहा है कन्वर्जिंग के फॉर्म में, ठीक है, डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग। तो क्या आप टिक करेंगे आप इसके अंदर, यहां पे एक डाइवर्जिंग एंड एक कन्वर्जिंग, यह आ जाएगा फोर्थ आंसर इसका, क्लियर।
चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कह रहा है कि एक प्रकाश किरण एक पारदर्शी गोले पे गिर रही है जिसका केंद्र सी है, तो हमें आप बताना है इसका अपवर्तनांक क्या होगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि जो रे है कैसे जा रही है, यहां से बाहर निकल रही है इस बी के पैरेलल, ऐसे निकल रही है ऐसे, ठीक है। तो अंदर बच्चों रे इस तरह से आएगी, यहां पे पक्की बात है, ये रे डायग्राम ये होगा, क्लियर। अब बच्चों यहां पे देखो इसको हम यहां पे आगे देखें, इसको हम आगे बढ़ाएं इस तरह से। अब आप एक चीज जानते हैं सेम मीडियम, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग सेम मीडियम में एंगल भी सेम होता है। इधर एयर मीडियम में एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो इधर भी नॉर्मल के साथ एयर मीडियम में एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री। अब बेटा ये 60 डिग्री है तो आप समझ सकते हैं आगे, समझे ये 60 है तो इधर से ये भी क्या आएगा 60 डिग्री आएगा। अब ये 60 है ठीक है, तो इधर से ये एंगल कितने कितने होंगे अभी निकालते हैं। देखो ये बेटा इस एंगल को आर आर बोल दें तो ये 60 और इधर का जो एंगल बन रहा है ये कितना बनेगा 120, कि 180 में से 60 को माइनस करो 120 आया। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे आर प्लस 120 करो, कितना करना तीनों का सम 180, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। तो आर कितना हो गया 30 डिग्री, आर की वैल्यू आ गई 30 डिग्री आ गई। अब इस पे लगा दो स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या होता है म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब बाहर यहां पे एयर है और यहां पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 है, तो 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन कितना बन रहा है एंगल आर साइन आर, तो साइन 60 होता है रूट 3/2 रख दो म्यू इंटू साइन आर, मतलब साइन 30 जो कि 1/2, तो 2 से 2 कट गया, गया म्यू इक्वल टू कितना हो गया रूट 3, तो कौन सा आंसर आ गया सेकंड म्यू इक्वल टू रूट 3, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए क्वेश्चन 25 क्या गिरा है, एक कॉन्वेक्स लेंस आपको दे रखा है, कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, तो आपको बताना है कि मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा है, देखिए यहां पे इसमें -20 -2, मतलब कहीं ना कहीं यहां पर नेगेटिव दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हम जानते हैं बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, तीसरे चतुर्थांश में, मतलब यहां पे इस जगह ये से कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है -20 एंड -2, मतलब अगर इसको हम ऐसे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में सोचें तो इसकी लेंथ तो कितनी है 2 सेंटीमीटर और इसकी ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है 20, ये अपन ने देख लिया, क्लियर। अब बच्चों यूं समझे लेंस के सामने ऑब्जेक्ट यहां पे रखा इस तरह से, तो कहां रखा है देखिए फोकल लेंथ कितनी है इसकी, फोकल लेंथ 10 है, ऑब्जेक्ट रखा है 20 पे, मतलब 2f पर, तो ऑब्जेक्ट अगर 2f पे होता है तो इमेज दूसरी तरफ बनेगी वापस 2f पर, लेकिन सेम साइज की तथा उल्टी इमेज बनती है, तो इसकी सेम साइज की उल्टी इमेज बिल्कुल 2f पे बनेगी, इस तरह से यहां बनेगी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो बड़ा ये डिस्टेंस 20 है तो ये डिस्टेंस भी 20, ये 2 है तो ये भी 2, तो अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे +20, +2, तो 20, 2 कौन सा आंसर आ गया थर्ड, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है कि एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबो रहे हैं कि जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, लेंस का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो सराउंडिंग मीडियम के बराबर है, सेम है, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या होगी, तो अपन जानते हैं बेटा यहां पे 1/f, ये जो लेंस मेकर फॉर्मूले में पढ़ते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूले में आप जानते हैं जो 1/f इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है μ-1, ठीक है, मतलब μl - μm/μm, ये इस पे डिपेंड करता है फोकल लेंथ, ठीक है। अब बेटा यहां पे देखो ये μl - μm दोनों सेम दे रखी है तो कट जाएगा तो क्या होगी वैल्यू, ये 0, ये वैल्यू 0 गई तो f इज इक्वल टू, ठीक है f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स करेंगे तो 1/0, तो क्या बन गया ये इनफाइनाइट, तो क्या जाएगा रिजल्ट फोकल लेंथ क्या बन जाएगी इसकी इनफाइनाइट, ये आ जाएगा इसका रिजल्ट, ठीक है। चलो आते आगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे। अब कह रहा है कि 27 में आपसे कह रहा है कि 1.5 अपवर्तनांक का एक उत्तल लेंस है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, जो 2 वाले मीडियम में रख दिया, मतलब डेंसर मीडियम में। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर कोई भी एक कॉन्वेक्स लेंस है उसको अगर अपन किसी डेंसर मीडियम में रखते हैं तो डेंसर मीडियम में उसका बिहेवियर कैसा बन जाता है, कॉन्वेक्स लेंस है बिहेवियर, वैसे तो नेचुरल बिहेवियर क्या बनता है उसका, नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है कन्वर्जिंग, लेकिन आपने उसको डेंसर मीडियम में रख दिया तो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा अपसारी की तरह, ठीक है। तो लेंस का बिहेवियर क्या हो जाएगा अपसारी की तरह, मतलब एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह हो जाएगा, ठीक है, ये चीज अपन देखेंगे। आओ अबाउट बढ़ते हैं क्वेश्चन 28 पर।
28, दो समांतर समतल दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, कितने बनते हैं? इनफाइनाइट, ठीक है। उसके बाद आ गया है क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 आपसे कह रहा है कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पे 30 डिग्री कोण पे आपतित होती है, तो उत्पन्न विचलन क्या होगा? तो डेल की वैल्यू क्या होती है? 180 - 2i, ठीक है। प्लेन मिरर की वजह से एंगल ऑफ डेविएशन 180 - 2i होता है, तो 180 - 2i करेंगे, i कितना गिवन है यहां पे? 30, तो कितना हो गया? 180 में से 60 माइनस करो, 120, कितना आएगा आंसर? 120, तो कौन सा आंसर आ गया इसका? फोर्थ, 120, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30, देखिए 30 क्या कह रहा है आपसे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, ठीक है, अपन जानते हैं जो कॉन्वेक्स जो मिरर है इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। कब? रियल ऑब्जेक्ट के लिए। जब भी मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट होता है, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। किसके लिए? रियल ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए इसकी फोकल लेंथ क्या बन जाएगी? पॉजिटिव, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव, रियल के लिए नेगेटिव, तो क्या आंसर आएगा इसका? थर्ड, फर्स्ट आएगा, ठीक है। वास्तविक बिंब के लिए ऋणात्मक होती है। ओके, आइए समझ। देखिए अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 क्वेश्चन आपसे आ रहा है, क्वेश्चन 31 ये, ठीक है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग बताना है कि यहाँ पे एंगल आई एंड एंगल आर के बीच बेस्ट ग्राफ कौन सा होगा, ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम जानते हैं म्यू इक्वल टू, ठीक है, म्यू इक्वल टू क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। चलो सपोज मान लो एंगल आई एंड आर स्मॉल है, तो स्मॉल एंगल है तो हम जानते हैं साइन आई की वैल्यू आई हो जाएगी, साइन आर की वैल्यू आर हो जाएगी, अगर एंगल स्मॉल है तो, ठीक है। तो यहां से हम देखें आई इज प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा? आर, ठीक है। तो यहां से आर इज इक्वल टू निकालेंगे तो आर इज इक्वल टू आई अपॉन म्यू, ठीक है। मीन्स आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है बेटा? आई हो रहा है। तो जब एंगल स्मॉल है तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, मतलब ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, R is proportional to I के अनुसार। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है? कहां से? ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, तो कौन सा है? सेकंड, ठीक है। ये मतलब स्टार्टिंग में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, धीरे धीरे इसमें कर्वेचर आएगी बाद में, लेकिन स्टार्टिंग में ग्राफ कैसा होगा? ये स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए आंसर को टिक करेंगे सेकंड, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये आपको बताना है। आपसे कह रहा है कि इसमें उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धन हमेशा एक से कम होता है, बिल्कुल सही बात है। जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका मैग्नीफिकेशन जो होता है वो हमेशा लेस देन वन होता है, कि छोटी इमेज बनती है उसमें हमेशा, तो फर्स्ट तो सही है। सेकंड कह रहा है कि समतल दर्पण एक आभासी सीधा समान आकृति का एक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल। जो प्लेन मिरर है उससे इमेज बनती है, कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है, ठीक है, सेम साइज की बनती है, ठीक है, एंड वर्चुअल इमेज बनती है, तो वही चीज कह रहा है, सेकंड भी सही है। अब कह रहा है कि अवतल दर्पण से एक आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया सकता है, बिल्कुल सही बात है। जब अपन ऑब्जेक्ट को बचो, ऑब्जेक्ट को अपन एफ एंड ओ के बीच रखते हैं, कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट एफ एंड ओ के बीच रखा जाता है, तो इमेज कहां बनती है? कहां बनती है? उसके पीछे की तरफ, ठीक है। बड़ी साइज की इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज, ठीक है, तो सही बात है, वर्चुअल एंड बड़ी साइज की इमेज बनी सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फोर्थ कह रहा है कि उत्तल दर्पण से एक वास्तविक उल्टा और समान आकृति का प्रतिबिंब प्राप्त किया सकता है, नहीं, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उत्तल दर्पण से कभी रियल इमेज बना नहीं सकते, वर्चुअल इमेज बनती है, तो क्या टिक करेंगे? फोर्थ, ठीक है। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। हमसे कह रहा है कि यहाँ पे जो फॉग आती है, ठीक है, धुंध होती है, फॉग, फॉग में हमें दिखाई क्यों नहीं देता क्लियर? इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो उसमें पार्टिकल जो होते हैं, ठीक है, वाटर के पार्टिकल, उस पर जब लाइट फॉल होती है तो वो उसको बिखार देते हैं, ठीक है, बिखेर देते हैं, बोलते हैं स्कैटरिंग, ठीक है। तो स्केटिंग हो जाती है, मतलब प्रकीर्णन हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे हमें दूर के ऑब्जेक्ट फिर दिखाई देना बंद हो जाते हैं, पास दूर का पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते, क्योंकि यहाँ पे जब लाइट फॉल होती है तो उस केस में बहुत ज्यादा उसकी स्केटरिंग हो जाती है लाइट की, ठीक है, तो इसलिए हमें ऑब्जेक्ट क्लियर नजर नहीं आ पाते, तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 आपसे कह रहा है कि यहाँ पे हमें इस ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है, क्या होगा? ये कंडीशन दे रखी है, तो देखो इस तरह से लगाए अपन, इस मीडियम फर्स्ट मीडियम है और ये मान लो थर्ड मीडियम है, ठीक है, बीच में सेकंड मीडियम। हम जानते हैं जब भी कोई रे एक मीडियम से दूसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे जाती है, हमेशा म्यू साइन थीटा तो क्या होता है? कांस्टेंट। तो फर्स्ट एंड थर्ड के लिए लगा रहा हूं मैं म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू ग्लास का,
तो म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल टू थर्ड मीडियम के लिए म्यू तो कितना यहां पे एयर मीडियम है 1 इंटू साइन 90 एंगल 90 बन रहा है साइन 90 साइन 90 का होता है 1 होता है तो म्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 अपॉन साइन आई ठीक है क्योंकि यहां पे साइन 90 1 होता है तो आरएचएस की वैल्यू 1 हो गई तो म्यू निकालेंगे 1 अपॉन साइन आई कौन सा आंसर आ गया इसका ये सेकंड ये आ जाएगा रिजल्ट ओके चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे 35 कह रहा है कि हमें आकाश नीला दिखाई देता है क्यों स्काई हमें ब्लू क्यों अपीयर होता है क्यों बच्चों यहां पे हम जानते हैं ब्लू कलर का जो स्कैटरिंग है वो सबसे ज्यादा होती है स्कैटरिंग सबसे कम किसकी होती है रेड कलर की और सबसे ज्यादा किसकी होती है ब्लू कलर की तो इसलिए जो सन से लाइट आ रही है रास्ते में ब्लू कलर की बहुत ज्यादा स्कैटरिंग हो जाती है तो ब्लू कलर पूरा फैल जाता है पूरा स्काई में ठीक है तो नीचे से अपन जब अर्थ से उसको ऊपर देख रहे होते हैं तो हमें पूरा स्काई ब्लू दिखाई देता है क्यों क्योंकि इसका रीजन यही है कि ब्लू कलर रास्ते में बहुत ज्यादा स्कैटरिंग हो गई है उसकी ठीक है तो इसलिए क्या जाएगा यहाँ पे आकाश नीला क्यों दिखाता है क्योंकि नीले रंग का अधिकांश प्रकीर्णन हो जाता है स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है ब्लू कलर की ठीक है ओके चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे 36 में आप कह रहा है कि प्रिज्म का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ये दिया हुआ है n इज इक्वल टू कॉट ए बाई टू ठीक है तो चो n इज इक्वल टू कॉट ए बाई टू अच्छा अपन देखें प्रिज्म का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है साइन डेल मिन प्लस ए बाई टू ठीक है मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन अपन जानते हैं अपॉन साइन ए बाई टू ठीक है ये होता है क्या किया मैंने इस n की पुट कर दी है ये जो n है इस n की वैल्यू मैंने यहां रख दी n की वैल्यू ये इज इक्वल टू अब यहां पे कॉट ए बाई टू कॉट इज इक्वल टू क्या होता है कॉस अपॉन साइन ठीक है कॉस अपॉन साइन मीन्स कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू ये अपन ने पुट कर दी किसकी कॉट ए बाई टू की वैल्यू रख दी अपन ने कॉट ए बाई टू अब यहां पे देखिए साइन ए बाई टू से तो साइन ए बाई टू कट जाएगा ओके अब यहां पे इसको देखिए यहां पे ये जो क्या है साइन डेल मिन प्लस ए बाई टू इज इक्वल टू क्या है बेटा कॉस ए बाई टू अब कॉस को अपन लिख सकते हैं साइन की फॉर्म में चेंज करें तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा हम जानते हैं कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस थीटा तो पाई बाई टू माइनस ए बाई टू ठीक है ये लिख दिया अच्छा पाई बाई टू प्लस थीटा भी तो लिख सकते थे वो क्यों लिखा मैंने इसलिए लिखा कि वो बेटा अपन जानते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है साइन आई अपॉन साइन आर तो ये साइन आर अब साइन आई तो साइन के अंदर जो वैल्यू लिखी होगी वो हमेशा 90 से छोटी होगी ना म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर तो आई एंड आर दोनों जो होते हैं वो 90 से छोटे होते हैं इसलिए हमें यहाँ पे 90 से छोटा मतलब पाई बाई टू माइनस ए बाई टू लिखना पड़ा ठीक है अब देखिए यहां से हम देखें जो साइन के इधर अंदर एंगल है वो इधर एंगल है एंगल कंपेयर करें तो एंगल कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे डेल मिन ठीक है तो यहाँ पे जो डेल मिन की वैल्यू है यहाँ पे किसके बराबर है जो डेल मिन प्लस ए डेल मिन प्लस ए बाई टू इज इक्वल टू जो आएगा यहाँ पे चाहो तो 2 एलसीएम ले लो क्या जाएगा पाई माइनस ए ये लो 2 से 2 कट गया ठीक है 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ से डेल मिन की वैल्यू अगर अपन फाइंड करेंगे तो इस ए को उधर ले आओ तो पाई माइनस 2 ए पाई माइनस 2 ए कौन सा आंसर आ रहा है पाई माइनस 2 ए ये रो 180 माइनस 2 ए ये आ जाएगा सेकंड आंसर ओके चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर क्या कह रहा है 37 देखिए यहां पे तीन प्रिज्म रखे हुए ठीक है तो फर्स्ट प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन हो रहा है यूं कह रहा है आपसे तो बाकी सारे तीनों प्रिज्म अगर एक ही टाइप के हैं तो रिजल्टेंट डेविएशन क्या होगा तो बेटा यहां पे देखिए ये दो प्रिज्म आपस में एक दूसरे को उल्टे रखे हुए हैं तो ये दोनों जो प्रिज्म है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे इफेक्ट क्या हो जाएगा कैंसिल ये जो क्यू एंड आर है ठीक है इफेक्ट ऑफ क्यू आर कैंसिल हो जाएगा इफेक्ट ऑफ क्यू आर क्या हो जाएगा कैंसिल ठीक है ये इफेक्ट एक दूसरे कैंसिल हो जाएगा तो कैंसिल हो गए क्यों क्योंकि एक दूसरे के उल्टे रखे हुए तो कैंसिल कर देंगे तो रिजल्ट वो जाएगा जितना डिवीजन पहले हो रहा था उतना ही डिवीजन अभी भी होगा तो फर्स्ट मतलब पहले डिवीजन के समान ही विचलन मिलेगा क्यों क्योंकि सेकंड और थर्ड जो प्रिज्म थे इन्होंने आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया ठीक है 38 पे आओ क्या कह रहा है 38 जब भी हम जानते हैं रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है जो रिफ्रैक्शन की इवेंट है क्यों होती है रिफ्रैक्शन उसका रीजन ये है कि अलग अलग मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है इसलिए जब भी कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है या अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाती है ठीक है मतलब अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है या फिर अभिलंब से दूर हट जाती है कारण क्या है चाल भिन्न भिन्न होती है मतलब वेलोसिटी अलग अलग होती है
तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 आपसे क्या कहना चाहता है, इसमें आपसे कहा है कि यहां पे क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड एंड ग्लास को हमें कंपेयर करना है। ठीक है, क्या होता है इनमें जो रिलेशन, देखिए बच्चों यहां पे ध्यान दें, आप जानते हैं क्रिटिकल एंगल मान लो अगर सी है तो साइन सी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 1/μ, ये पता ही आपको रिलेशन। ठीक है, तो यहां पे डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी, देखो म्यू डायमंड का अपन जानते हैं म्यू ज्यादा होता है, ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी स्मॉल, डायमंड का म्यू ज्यादा होता है इससे क्रिटिकल एंगल स्मॉल आएगा, तो क्या जाएगा इसका आंसर सेकंड। ठीक है, चलो आते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, तो यहां पे 39 के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे 39 के बाद 40, क्वेश्चन नंबर 40 अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन 40, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस पे बेस्ड है, नॉर्मल सी बात है आप जानते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, प्रकाश तंतु होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित होता है। ओके, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कह रहा है कि जो एक लेंस है दो भिन्न भिन्न पदार्थों से मिलकर बना है, दो डिफरेंट डिफरेंट इसके मेटेरियल है म्यू वन म्यू टू, तो यहां पे हमें इनके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बताने हैं। तो बेटा देखो एक चीज आपको बताइए, जो यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला अपन देखते हैं 1/f प्रोपोर्शनल टू क्या होता है म्यू माइनस वन, मतलब एफ का म्यू के साथ रिलेशन क्या है इनवर्स। तो यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ये पास है मन रही इसकी इमेज, तो फोकल लेंथ फर्स्ट एफ वन की वैल्यू वो क्या है लेस देन एफ टू, ठीक है एफ वन लेस देन एफ टू है क्योंकि फर्स्ट वाले से इमेज नजदीक बन रही है सेकंड वाले से दूर बन रही है, तो एफ वन इज लेस देन क्या बच्चों एफ टू है, तो इसलिए यहाँ पे म्यू वन इज ग्रेटर देन क्या आएगा म्यू टू, म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, तो कौन सा आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, देखिए क्वेश्चन 42 क्या है, देखिए क्वेश्चन 42 ये रहा आपसे कह रहा है कि 50 मीटर ऊंचाई का एक पेड़ है, इसको अपन दूर से देख रहे हैं, ठीक है, जिसकी मैग्नीफाइंग पावर 10 है, तो हमें पेड़ प्रतीत होगा। ठीक है, जो बच्चों ये जो ट्री है आप उसको 15 मीटर हाइट है इसकी और इसका मैग्नीफाइंग पावर 10 है, इस वाले आप इसको दूरदर्शी देख रहे हो टेलीस्कोप से, तो आपको जो ट्री होता है ये जो उसकी मैग्नीफाइंग पावर है 10 उतने टाइम्स हमको पास दिखता है, बड़ा नहीं दिखता पास दिखता है, पेड़ तो वैसे पहले खूब बड़ा है और क्या बड़ा बनाओगे उसको, ठीक है केवल हमें पास दिखता है इसलिए हमें उसकी साइज थोड़ी मैग्नीफाइड फॉर्म में दिख रही होती है, इमेज थोड़ी बड़ी दिख रही होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या आएगा 10 गुना निकट, ठीक है 10 टाइम्स नियरर, ये आएगा इसका आंसर 10 गुना पास दिखेगा। ओके, चलो अब आगे देखें इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए, क्वेश्चन 43 में आपसे कह रहा है कि एक मानव नेत्र की फोकस दूरी अधिकतम कब होती है, जब किसको देख रहा होता है, हम जानते हैं बेटा हमारी आईज में एक लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ये इस तरह से ये जो आई बॉल है आई बॉल में इस जगह ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे सामने तो उसकी इमेज जो बनती है कहाँ बनती है इस जगह रेटिना पर, ठीक है इमेज बनती है रेटिना पे, ये डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे वी, ये डिस्टेंस वी है एंड ये डिस्टेंस बेटा यू है ऑब्जेक्ट की, ये एफ है, तो यहाँ से वी तो क्या होती है बेटा फिक्स, क्योंकि लेंस अपनी जगह है और रेटिना भी अपनी जगह है तो इमेज तो फिक्स जगह बनेगी, मतलब वी तो फिक्स है, हाँ इस यू को अलग अलग पोजिशन में ले जाओगे तो उसके अकॉर्डिंग एफ चेंज हो जाता है। तो यहां से हम देखें 1/f इज इक्वल टू क्या होता है 1/v - 1/u, ये अपन जानते हैं, ठीक है 1/f इज इक्वल टू 1/v - 1/u, डिस्टेंस u मान लो अगर ये डिस्टेंस जो x है इसको अपन x बोल दें, तो यहां से अगर अपन साइन कन्वेंशन लगाए बेटा साइन कन्वेंशन, तो यहां पे ये पॉजिटिव है f, ठीक है v भी पॉजिटिव है जो कि फिक्स है एंड u यहां पे नेगेटिव है इसलिए माइनस u रख दिया, साइन कन्वेंशन लगाया अपन ने, तो यहां से 1/f की वैल्यू क्या आ रही है 1/v + 1/u के इक्वल, ठीक है u क्या है डिस्टेंस। ठीक है, अब यहां पे इसमें देखो f को अगर अपन इंक्रीज करेंगे मतलब f इज प्रोपोर्शनल टू क्या है u के इक्वल, f इज प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों यहां पे, तो u अगर जब जितना ज्यादा दूर होगा फोकल लेंथ भी उतनी ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा फोकल लेंथ कब बनेगी जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो इनफाइनाइट पे, तो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे तो फोकल लेंथ भी क्या बनेगी इनफाइनाइट, क्योंकि ये चीज तो कांस्टेंट है, ये चीज तो क्या बेटा कांस्टेंट, क्योंकि ये तो चेंज हो नहीं रही, ये चीज तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए 1/f प्रोपोर्शनल टू 1/u मींस f इज प्रोपोर्शनल टू u। ओके, तो ये बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे देखते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति 100 सेंटीमीटर से दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा, इसका मतलब इसका जो फार पॉइंट है इनफाइनाइट होता है वो शिफ्ट हो गया कहां गया 100 सेंटीमीटर पे, इसका मतलब उसको कौन सी डिजीज है मायोपिया, ठीक है मायोपिया है। ठीक है, तो मायोपिया का फार पॉइंट की जो डिस्टेंस ही है इसको अगर अपन x बोलें
या डिस्टेंस अगर x है तो अपन जानते हैं मायोपिया को ठीक करने के लिए जो हम फोकल लेंथ काम में लेते हैं, मतलब जो लेंस काम में लेते हैं कौन सा लेते हैं, कॉनकेव लेंस, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, एफ इजिकल टू जो उसकी फोकल लेंथ होती है माइनस एक्स होती है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी माइनस 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हो जाएगी माइनस 1 मीटर। अब फिर हमें निकालनी है पावर, पावर इजिकल टू क्या होता है 1 अपॉन एफ, तो पावर 1 अपॉन एफ करेंगे तो यहां माइनस 1 रखने पर क्या हो जाएगा माइनस 1 डायोप्टर, तो माइनस 1 डायोप्टर कौन सा आएगा रिजल्ट थर्ड, ठीक है। चलो अब आगे थे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45 पे देखिए, क्वेश्चन 45 को देखें क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन कौन सी होगी। अरे बेटा नॉर्मल सी बात है, आप जानते हैं मिनिमम डेविएशन कब होता है, जब अंदर जो रे होती है वो बेस के पैरेलल होती है, ठीक है। या यूं समझ जाएं कि जब आने वाली रे और बाहर निकलने वाली रे दोनों बिल्कुल सिमेट्रिक फॉर्म में है, ठीक है, दोनों सिमेट्रिक फॉर्म में है आपस में, तो अपने आप ही उस केस में जो रे बाहर निकले मतलब यहाँ पर उसका डेविएशन क्या होगा मिनिमम होगा, तो आंसर क्या जाएगा इसका थर्ड, ओके। चलो अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 पर, क्वेश्चन 46 में आपसे कह रहा है कि ये जो पी क्यू है ये कौन सा मिरर है बताना आपको, तो बड़ा देखो यहाँ पे रे आने के बाद इस तरह से कन्वर्ज हो रही है, मतलब जो किस्म होता है कॉनकेव मिरर में, आप जानते ही हैं बचपन से जब इस पे रे इस तरह आई थी, ठीक है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाती है, इसका मतलब ये कौन सा मिरर है कॉनकेव मिरर, तो क्या आएगा आंसर सेकेंड, ठीक है। चलो आए क्वेश्चन नंबर 47 पे, 47 आपसे कह रहा है कि फिश है, ठीक है, एच डेप्थ पर है, इसको उभार का जो संसार है बाहर का यूनिवर्स है वो केवल किस में दिख रहा है, केवल एक रेडियस की फॉर्म दिख रहा है, सर्किल की फॉर्म में, मतलब हम ऊपर देखते हैं फिश ऊपर देख रही है, तो कंप्लीट जो बाहर की सराउंडिंग है, ठीक है, मतलब बाहर की जो सराउंडिंग है वो पूरा एक सर्किल की फॉर्म दिख रही है, उसकी रेडियस बतानी है, तो आपको पता है उस रेडियस का एक फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, बस इसका यूज करना है, एच कितना दे रखा है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, ठीक है, रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, म्यू 4/3 है, इसका स्क्वायर करेंगे 16/9 माइनस 1, तो 12 अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा 16/9 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे 7, यहाँ पे हो जाएगा 30, यहाँ पे हो जाएगा 16/9, एलसीएम ले लो उसमें 16/9 माइनस 1 करोगे तो ये आता है 7/9, रूट ऑफ 7/9 बन जाएगा, ठीक है। अब इसका यहाँ पे रूट करें तो 9 का रूट 3 ऊपर चला गया 36 बटा रूट 7, कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ आ जाएगा इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 48 पर, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे, इसमें क्वेश्चन 48 में ये ग्राफ गिवन है प्रिज्म के लिए, हमें यहाँ पे इसका निकालना है प्रिज्म एंगल, तो बेटा यहाँ पे देखो इसमें आप जानते हैं डेविएशन का फॉर्मूला होता है बचपन में पढ़ा होगा आपने, डेल इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए, अब यहाँ पे डेल तो हमें देखा है 30, अब यहाँ पे बेटा ये जो एंगल होते हैं अगर ये I1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये I2 होता है, और अगर ये I1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये I2 होता है, मतलब ये दो वैल्यूज होती है ना किसी पर्टिकुलर डेविएशन के लिए, जो दो वैल्यूज आ रही होती हैं उसमें एक तो I1 को शो करती है और एक I2 को, ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का सम कर देंगे 15 प्लस 60, फिर माइनस ए करोगे तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू कितना हो गया 75 में से 30 माइनस करो कितना जाएगा 45, तो आंसर आएगा सेकेंड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर, क्या कह रहा है क्वेश्चन 49 देखिए, अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पे अपवर्तनांक 1.25 दे रखा है, इस लेंस की शक्ति पावर जो देखिए प्लस 3 है, ठीक है, उसे हम किसी लिक्विड डिप कर रहे हैं तो अब उसकी पावर माइनस 2 जाती है, तो हमें उस लेंस का मतलब उस लिक्विड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बताना है, तो बेटा देखो आप ही जानते हो लेंस मेकर फॉर्म पढ़ा नहीं पढ़ा आपने, लेंस मेकर पावर हम जानते हैं पी इज इक्वल टू 1/f होता है, और इस लेंस मेकर फॉर्मूले से अपन जानते हैं 1/f इज प्रोपोर्शनल टू होता है म्यू एल, मतलब म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम माइनस 1, ठीक है, ये होता है। अब यहां से देखिए पावर का रेशो देखें तो पहले पावर कितनी थी प्लस 3, तो पावर पहले प्लस 3 थी, बाद में पावर कितनी हो गई माइनस 2, ठीक है, माइनस 2 इज इक्वल टू, तो पहले लेंस तो हमें दे रखा कितना है यहां पे 1.25, ठीक है, इसकी पावर 1 है किसके अंदर एयर के अंदर, मतलब 1 मीडियम कितना है पहले 1 है, पहले 1 मीडियम है माइनस 1 डिवाइड बाय, अब म्यू लेंस तो वही है 1.25, लेकिन बाद में आपने इसको किस में डिप कर दिया है किसी म्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में, इस मीडियम में डिप कर दिया म्यू के अंदर माइनस 1, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1.5, ये आ जाएगा इसका आंसर थर्ड, ठीक है।
चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे कह रहा, देखिए इस तरह से यहां पे जैसे अंदर अपन जाते आते हैं, ठीक है, अंदर जाने पर यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से वेरी कर रहा है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि यहां पे अंदर जाने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है, तो अंदर एक्स की ओर इंक्रीज हो रही है, म्यू कम होता जा रहा है, मतलब अंदर जाने पे जो मीडियम है वो रेयरर होता जा रहा है। और आप जानते हैं जब भी कोई रे डेंसर से रेयरर की तरफ आती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होती है, मतलब ये अभिलंब से दूर हटती जाएगी, तो दूर हटती हटती जाएगी, तो इस तरह से बैंड होती जाएगी, इस तरह से ये बैंड होकर आगे आएगी। तो यहां पे देखो इस पोजिशन पे जहां पे इस जगह इसका क्या हो गया टी आई आर, इस पॉइंट पर इसका टी आई आर हो गया है। ठीक है, तो जब टी आई आर हुआ है तो इस पॉइंट पर अगर अपन टेंजेंट देखें तो रे इधर जा रही थी, ठीक है, रे इधर जा रही है, तो यहां पे ये नॉर्मल के साथ एंगल कितना बना रही है 90 डिग्री, तो यहां पे नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो हम यहां पे लगा दें स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगा दें, ठीक है, और ये डिस्टेंस यहां से तक की है एक्स से, स्नेल्स लॉ अपन जानते हैं म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहां पे पहले इस जगह ये मीडियम एयर है, ठीक है, तो एयर मीडियम है, और यहां पे हम देखें 1 into sin 60 स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, 1 into sin 60 इज इक्वल टू फिर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू इंटू साइन 90, क्योंकि यहां पे एंगल 90 हो गया आगे जाके। ठीक है, तो साइन 60 कितना होता बेटा √3 √3/2, साइन 60 √3/2, ठीक है, म्यू की वैल्यू ये रही √3 - 1/√3 x साइन 91 हो गया। ठीक है, अब यहां से √3 x को ले आओ LHS में, 1/√3 x LHS में आ गया, ये √3 इसको उधर ले जाएंगे √3/2 को, तो √3 में से √3/2 माइनस हुआ तो √3/2 बचेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो गया 3/2 मतलब 1.5, तो आ जाएगा आंसर सेकंड। ठीक है, सेकंड आंसर आ जाएगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। देखिए 51 क्या कह रहा है, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पे इस प्रकार से आ रही है, बल्कि दर्पण पे कि दूसरे दर्पण के समांतर है, ठीक है, और बाद में पृथ्वी के समांतर हो जाती है, तो क्या हो कौन, देखिए इस तरह कह रहा है आपसे, सिंपल सी बात है, ये इस तरह कह रहा है बच्चों, यहाँ पे ये दो मिरर हैं, ठीक है, टू मिरर्स हैं, ये इस तरह से झुके हुए हैं, यहां से पे पहले एक रे आई इसके पैरेलल, किसके पैरेलल, इसके, यहां से टकरा के गई, फिर यहां से आगे गई इसके पैरेलल, तो इस तरह से ये सारी रेस पैरेलल फॉर्म में जा रही हैं, तो यहाँ पे डायग्राम में एक सिमेट्रिसिटी बनेगी, सममितता, मतलब तीनों एंगल्स क्या आएंगे सेम, ये थीटा ये थीटा ये थीटा, तीनों सेम आएंगे, अब थीटा थीटा तीनों सेम आ रहे हैं सममितता के अनुसार, सिमेट्रिसिटी के अनुसार, ये M1 ये M2 मिरर है, तो तीनों एंगल का सम कितना कर देंगे 180, तो 3 थीटा इज इक्वल टू कर दो 180, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, क्योंकि यहां पे सममितता बनेगी सिमेट्रिसिटी बनेगी, तो तीनों एंगल सेम आएंगे, तो थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री के इक्वल। चलो आगे आते हैं, मतलब कौन सा आंसर आ गया फर्स्ट। अब आए 52 पे, क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए, 52 ये रहा, आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति अवतल दर्पण से दूर पे अपने चेहरे को व्यवस्थित करके दाढ़ी बनाता है, मतलब शेविंग कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे किसका यूज कर रहा है, कौन क्या है, मिरर का यूज कर रहा है, इसकी फोकल लेंथ, ठीक है, हमें निकालनी है, ठीक है, और उसको कह रहा है कि अपना उसका प्रतिबिंब 1.5 टाइम्स बड़ा देखना है उसको, ठीक है, 1.5 टाइम्स की बड़ा देखना है और सीधा देखना है उसको, क्योंकि उल्टा इमेज दिखेगी तो शेविंग कैसे कर पाएगा वो, ठीक है, उसको अपनी इमेज के देखनी, सीधी भी देखनी है, ठीक है, और कितनी 1.5 टाइम्स, तो एम यहाँ पे आपको कितना दे रखा है +1.5, तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू, ये होता है फॉर्मूला, एम को रख देंगे कितना +1.5 फोकल लेंथ हमें फाइंड करनी है, फोकल लेंथ निकालनी है, यू कितना है, कितनी दूर रख रहा है 20 सेंटीमीटर, और सामने है तो इसलिए माइनस में लेना पड़ेगा, तो -20 रखोगे तो +20 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1.5f प्लस कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इज इक्वल टू एफ, ठीक है, तो 30 इज इक्वल टू -0.f, ठीक है, 0.5f, ठीक है, तो यहां से f इज इक्वल टू कितना जाएगा -60, क्योंकि इसको डिवाइड कर देंगे तो -60, तो आंसर आएगा फोर्थ। ओके चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। 53 देखो क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे इसमें 53 क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अपन जानते हैं लेटरल शिफ्ट का होता है, ये पार्श्व विस्थापन का, ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि इसमें यदि एंगल वेरी स्मॉल है तो इसमें इस डी की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। अब बेटा एंगल स्मॉल है, ठीक है, तो हम जानते हैं साइन थीटा की वैल्यू थीटा होती है लगभग, एंड कॉस थीटा नियरली वन होता है, ठीक है, तो यहां से देखो ये तो टी
यहाँ पे कॉस आर के ऊपर लगभग वन ले लिया है क्योंकि स्मॉल एंगल है, साइन आई माइनस आर को आई माइनस आर ले लिया अपन ने, ठीक है। अब आप जानते हैं स्नेल्स लॉ से, ये पढ़ा ही आपने, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, साइन आई को खाली आई लिख दिया, साइन आर को खाली आर लिख दिया, स्नेल्स लॉ से साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू क्या आएगी, आई अपॉन म्यू, ये लो ये यहाँ पुट कर देंगे, ये वैल्यूज यहाँ रख दो इसमें, आर को, आर को अपन ने क्या रख दिया, आर को रख दिया मैंने आई अपॉन म्यू, ठीक है, आई अपॉन म्यू रख दिया। तो आई यहाँ पे कॉमन निकाल लो, आई कॉमन निकालेंगे तो वन माइनस वन अपॉन म्यू ये आएगा, कौन से ऑप्शन में दे रखा है देखिए यहाँ पे, ये इसका आंसर ये आ जाएगा डी, टी आई ब्रैकेट में वन माइनस वन अपॉन म्यू, ओके। चलो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 54 पे, यह आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। आपसे कह रहे प्रिज्म एंगल 45 है, ठीक है, मिनिमम डिफ्रेक्टिव इंडेक्स बताना है कि यहाँ पे किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन समकोण पे काम आए, मतलब क्या कह रहा आपसे, यूं कह रहा है कि बेटा इस तरह से ये एक प्रिज्म है ये, ठीक है, ये प्रिज्म है। अब यहाँ पे हम इस पे ये रे इस पे इंसिडेंट कर रहे हैं, अब यहां से टकरा कर ये वापस बैंड हो गई है इस तरह से 90 डिग्री एंगल बैंड हो गई है, ठीक है, और इसका प्रिज्म एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो आपको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है क्या है। अब बेटा ये एंगल 45 है, ये एंगल भी क्या आएगा 45, अब ये एंगल 45 है तो नॉर्मल के साथ हम देखें ये वाला एंगल भी क्या आएगा 45, तो ये एंगल क्या बन रहा है 45, आई सी की वैल्यू आ रही है 45। अब अपन जानते हैं म्यूज इक्वल टू वन अपॉन साइन आई सी होता है, ये आपने पढ़ाई है बचपन में, वन अपॉन साइन आई सी, तो यहाँ पे क्योंकि टी आई आर हुआ ना, इस पे जस्ट टी आई आर हो रहा है, तो यहाँ पे साइन 45 को रखेंगे नीचे 1/√2, तो √2 चल जाएगा ऊपर, तो क्या आ गया 2 मतलब 1.414, ठीक है, तो 1.414 कौन सा आंसर है, सेकेंड, ठीक है, ये आ जाएगा सेकेंड आंसर, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर, देखिए क्वेश्चन 55 क्या कह रहा है, यहाँ पे दो कांच के समतल अवतल लेंस है, मतलब प्लेन और कॉनकेव लेंस दे रखे हैं, ठीक है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 एंड 30 दे रखी है। अब इनको हम इस तरह टच कर रहे हैं कि इनकी कर्व्ड सरफेस एक दूसरे की तरफ है, मतलब इस तरह से, यूं आपसे कह रहा बेटा देखो यहाँ पे एक तो कॉनकेव लेंस ये है, ठीक है, और दूसरा कॉनकेव लेंस ये है, हमने इसको इस तरह रखा है कर्व्ड सरफेस को इस तरफ, क्लियर, ऐसे रखा है। अब यहाँ पे आपको आपसे कहा जा रहा है कि एक की रेडियस कितनी है 20 और एक की 30, इसकी तो रेडियस 20 है, ठीक है, इधर वाले की रेडियस 30 है, रेडियस 20 एंड 30, ठीक है। अब अंदर हमने जो मीडियम भर रखा है, ये मीडियम ये क्या बेटा वाटर ऑन यू, मतलब 4/3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कितना है 4/3 की माने 4/3 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दे रखा है 4/3, और इसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, ये कांच का बना हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कितना है 1.5 है, इधर वाले का भी 1.5 है। तो यहाँ पे ये तीन आपको मिरर लेंस दिख रहे हैं F1, बीच में F2 और एक F3, तो तीनों की बेटा अलग अलग फोकल लेंथ निकाल लें अपन, तो फिर हम जानते हैं लेंस का कॉम्बिनेशन उसका यूज करेंगे। तो पहले 1/F1 निकालें, मतलब इन ये तीन लेंस आपको दिख रहे हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं कि एक तो लेंस ये रहा प्लस एक लेंस ये रहा और एक लेंस ये रहा, इस तरह के तीन लेंस बन रहे हैं, इनकी फोकल लेंथ देखनी है। तो बेटा लेंस मेकर फॉर्मूले से पहले 1/F1 निकालें, 1/F1 प्लेन हो कॉनकेव लेंस है, तो 1/F1 इज इक्वल टू क्या होता है μ-1/1, मतलब μ-1 तो ये नेगेटिव आएगी, 1/F1 में नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये कॉनकेव है ना बेटा, तो माइनस में ये आएगी, माइनस में μ-1 मतलब 1.5-1 1/R1 + 1/R2, इधर का तो खैर इनफाइनाइट है, ठीक है, तो यहाँ पे 1/∞ + 1/ इधर का 20 है, ठीक है, तो यहाँ से निकालोगे कितना बनेगा ये 1/F1 की वैल्यू, यहाँ पे देखो ये 0.5 बन रहा है, ठीक है, -0.5 × 1/20, तो कितना हो गया -1/40, कितना गया ये -1/40। ऐसे ही 1/F3 निकालिए, 1/F3 वाली, तो 1/F3 निकालेंगे सेम टू सेम इसी तरीके से निकालेंगे, 20 की जगह क्या लेना है 30, 20 की जगह 30 लेना है, तो ये -1/60 हो जाएगी, -1/60, ठीक है। उसके बाद बीच वाले लेंस के लिए निकालें F2, 1/F2 = 1/F2 = ये पॉजिटिव है,
क्योंकि ये कॉनवेक्स लेंस दिख रहा है बीच वाला, तो पॉजिटिव में म्यू माइनस वन, तो 4 अपॉन 3 माइनस 1, क्लियर। फिर ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 करेंगे तो 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 30, ठीक है। 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 30 कर लें तो यहां से ये 1 अपॉन F2 भी आ गया। उसके बाद फिर तीनों का आप क्या कर लें, कॉम्बिनेशन 1 अपॉन F1, मतलब 1 अपॉन F नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 प्लस 1 अपॉन F3, ठीक है, इससे निकाल लेंगे। तो इससे क्या बन जाएगा, यहां से आप सॉल्व कर लो, ये एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी -72 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके ठीक है, आई समझ आपको। चलो अब देखें अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 आपसे कह रहा है, देखो आपसे कह रहा है कि यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर इसकी टोटल हाइट 21 सेंटीमीटर है और आपने पूछा कि कितनी हाइट तक वाटर भरे इसके अंदर, कि ऊपर से देखने पर आधा भरा हुआ और आधा खाली हमें दिखे। मतलब इस तरह से कह रहा, देखिए ये एक कंटेनर है, ठीक है, एक पात्र है, हमने यहाँ पे मान लो इस जगह तक पानी भर लिया, इसकी टोटल हाइट कितनी रखी हमें, टोटल हाइट दे रखी 21, ये इसकी टोटल हाइट 21 है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बेटा यहाँ तक आपने इसके अंदर वाटर भर रखा है, ठीक है, यहाँ से वाटर भरा था, अब ऊपर से आप देख रहे हैं, तो ऊपर से आप देख रहे हैं, आपने वाटर कितना भरा है इसके अंदर, एक्स, ऊपर से आपने इसको एक्स भरा। अब ऊपर से आप देखेंगे तो बेटा इसको वाटर का जो लेवल है, आपको ये पेंदा जो है वाटर का जो बॉटम है, ये बॉटम कहीं ना कहीं आपको यहाँ दिखेगा, इस जगह यहाँ आपको इस जगह दिखेगा, इस जगह आपको दिखेगा, तो यहाँ दिखेगा, मतलब कहाँ दिख रहा है, यहाँ से एक्स डैश पर, वर्चुअल डिस्टेंस एक्स डैश पर दिख रहा है। और ऊपर से देख रहे हैं तो हमें इसका पेंदा यहाँ दिख रहा है बॉटम, तो ये ऊपर की डिस्टेंस भी हमें इतनी ही दिख रही होगी, क्योंकि आधा भरा हुआ आधा खाली ऐसा बोला है ना, मतलब दोनों बराबर हैं। ऊपर से देख रहे हैं तो बाहर की डिस्टेंस तो ये दिख रही है और अंदर की डिस्टेंस आपको ये दिख रही है, तो दोनों बराबर दिखेगी, तभी तो हमें आधा भरा हुआ आधा खाली फील होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको दे रखी है। अब यहाँ पे देखो आप इसमें एक्स प्लस एक्स डैश करेंगे, डायग्राम देखिए, एक्स प्लस एक्स डैश किसके बराबर होगा, 21 के, तो 21 इज इक्वल टू कितना है, एक्स प्लस एक्स डैश, और आप जानते हैं एक्स डैश की वैल्यू क्या होती है, एक्स अपॉन म्यू होती है, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर यहाँ रख दें म्यू, म्यू कितना है 4/3, तो ये 3x/4 हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पे 7x/4, 7x/4 21, तो 7 से आप 21 को 3 टाइम्स कट कर सकते हो, तो x इक्वल टू कितना हो गया 4 12 12, तो ये थर्ड आंसर आ जाएगा 12x इक्वल टू 12। ओके चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, ये रहा आपसे कह रहा है कि f फोकल लेंथ है, ठीक है, फोकल लेंथ का बच्चों एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, यहाँ पे मुख्य अक्ष पर 12 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु 4f दूरी पर रखी है, ठीक है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की 12 सेंटीमीटर और इसकी डिस्टेंस जो इधर की रखी है 4f दे रखी है, तो उसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। तो यहां से देखो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एम, एंड एम इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन एफ माइनस यू, ठीक है, ये अपन जानते ही है। अब यहाँ पे इसमें देखिए m, m हमें कितना गिवन है, m तो खैर पता ही नहीं ना, ये निकाला है। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर ये f फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ को क्या रहेंगे, नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव, क्योंकि कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव होती है, माइनस f। u कितना है बच्चों यहाँ पे, इसमें u के लिए 4f दे रखी है, लेकिन सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो u नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव लेंगे ये लो माइनस 4f कर दिया अपन ने, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस ये माइनस ये माइनस कट जाएंगे तो क्या हो गया, f अपॉन f माइनस 4f, सही है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस कॉमन ले कैंसिल कर दिया अपन ने, तो f अपॉन f माइनस 4f ये आया रिजल्ट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये f अपॉन माइनस 3f मीन्स माइनस 1/3, माइनस 1/3 आ गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो आप कितनी दे रखी है यहाँ पे, 12, ये आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर और इक्वल टू कितना है, माइनस 1/3, तो उसको ले आएंगे तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आएगी, 12/3 मतलब माइनस 4 सेंटीमीटर। तो माइनस तो ये बता रहा है कि इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, तो यहाँ पे ऑप्शन देखें, 4 सेंटीमीटर देखा, इसको टिक कर लेंगे 4 सेंटीमीटर को, ठीक है। चलो आगे आए क्वेश्चन नंबर 58 पर, 58 क्या कह रहा है आपसे, देखिए एक प्लेन मिरर है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी इतनी है,
इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी गिवन है, और आपसे कह रहा है प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन है एक्सिस है प्लेन के परपेंडिकुलर वो कौन है, के कैप मतलब जेड एक्सिस, ठीक है। तो इमेज की वेलोसिटी निकालनी है, तो जो इमेज की वेलोसिटी के लिए आपने एक फॉर्मूला सुना होगा आपने, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होता है ठीक है वी वेक्टर बराबर ये होता है ट्वाइस ऑफ वी एम वेक्टर माइनस वी ओ वेक्टर, ये होता है। लेकिन ये फॉर्मूला केवल किसके लिए वैलिड है, मिरर के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके लिए, बाकी की जो अदर एक्सिस होती है ठीक है उसकी जो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है वो एज इट इज इमेज वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला केवल किसको डिस्टर्ब करता है, इमेज की उस वेलोसिटी को जो कि इमेज के मतलब मिरर के परपेंडिकुलर लाइन के लॉन्ग है, ठीक है। मिरर के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस, के। तो ये फॉर्मूला केवल किसके लिए, वी जेड के लिए, जेड एक्सिस के लिए। तो जेड एक्सिस के लिए अपन पुट करें मिरर, मिरर की जो वेलोसिटी है येरी जेड एक्सिस के लॉन्ग कितनी है, 8 के कैप, यहां पर रख दो ट्वाइस ऑफ 8 के कैप रख दिया मैंने, ठीक है। फिर माइनस ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का के कंपाउंड कितना है 5k, ये रख दिया 5k, तो कितना हो गया बेटा ये 16 माइनस 5 करेंगे तो 11k कैप, ये 11k कैप मिरर की कौन सी वेलोसिटी आई, मतलब इमेज की कौन सी वेलोसिटी आई, जेड वाली। तो बाकी जो इमेज की अदर वेलोसिटीज हैं, इमेज की नेट वेलोसिटी निकालेंगे तो बाकी की जो वेलोसिटीज हैं ये जो है ये तो सेम रहेगी, ठीक है, ये तो चेंज होगी नहीं, ये तो सेम ही रहेगी। कितनी आएगी तो 3i प्लस 4j, ये तो सेम है, ठीक है, ये तो सेम है इसी, बाकी जेड वाली वेलोसिटी आपने निकाल ली प्लस 11k कैप, ठीक है। तो कौन सा आंसर आ गया बेटा, कौन सा 3 प्लस 4 11k कैप, सेकंड आंसर आएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 11k कैप, ओके। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 आपसे कह रहा है कि एक पार्टिकल है ठीक है स्फेरिकल मिरर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका प्रतिबिंब के बारे में बताना है, तो इसकी इमेज जो होगी वो क्या होगी, देखिए एक पार्टिकल, अब चो पहले कह रहे थे जैसे अपन कॉनकेव की बात करें, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में आप जानते हैं ठीक है, यहां बच्चों इसमें इस जगह ये जो पॉइंट एफ से टू एफ मतलब ये पॉइंट एफ है, ये एफ है बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट से एफ की तरफ लेके आते हैं, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वन है मान लो कोई, इसको इनफाइनाइट से एफ की तरफ लेके आते हैं, तो उस केस में जो इमेज है इमेज किधर जाती है, एफ से लेकर इनफाइनाइट तक, ये इस तरह जाती है, मतलब इमेज कहां जा रही है, मिरर से दूर जा रही है, ऑब्जेक्ट तो पास आ रहा है इमेज दूर जा रही है। उसके बाद फिर अगर ऑब्जेक्ट को अपन यहां से एफ से ओ की तरफ लेके आते हैं ठीक है, तो उस केस में जो इमेज है अब यहां से इनफाइनाइट से इधर आ रही होती है इस तरह से, ये मतलब किधर आ रही है, इसके पास आ रही है। तो आपसे कह रहा है कि यहां पे अवश्य अवश्य ही दर्पण से दूर जाएगा, कोई जरूरी नहीं दर्पण से दूर जाए, पास भी आ सकता है ठीक है। तो पहला और दूसरा तो गलत हो गए, फर्स्ट में कह रहा है कि मस्ट मूव अवे फ्रॉम मिरर, मस्ट मूव टुवर्ड्स मिरर, नहीं कोई जरूरी नहीं, दोनों में से दोनों कंडीशन पॉसिबल है ठीक है। फिर आपसे कह रहा है मे मूव टुवर्ड्स द मिरर, बिल्कुल सही बात है, मिरर की तरफ जा सकता है, दूर भी आ सकता है पास भी आ सकता है, तो बिल्कुल जब भी आपको मे वर्ड यूज है तो हम ये इसको देख सकते हैं, बिल्कुल सेट बैठ रहा है। फिर कह रहा है डी दर्पण की ओर जाएगा केवल यदि उत्तल दर्पण है ठीक है। तो बच्चों यहां पे देखिए कॉन्वेक्स में क्या होता है, देखिए एक बार अपन देखें कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें ऑब्जेक्ट अगर इधर आ रहा होता है, ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है तो यहां पर इमेज जो है वो इधर आती है ठीक है, बिल्कुल सही है ये भी। लेकिन यहां बोल दिया केवल यदि, अरे केवल क्या इसके अंदर भी तो हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा क्या ठीक है। तो स्टेटमेंट तो यहां पे गलत नहीं है लेकिन यहां पे केवल यदि बोल दिया इसलिए स्टेटमेंट को हमें रॉन्ग बोलना पड़ेगा, केवल नहीं होता ये तो इसके अंदर भी होता है ठीक है ना, ओनली इफ द मिरर इज कॉन्वेक्स, नहीं कॉनकेव में भी तो हो सकता है, ऐसी बात थोड़ी ना है। इससे कौन सा टिक करेंगे, आंसर सी। देखो इस क्वेश्चन में यहां पे ये उत्तल दर्पण जो दे रखा है इसकी जगह आप यहां पे अवतल कर लें, वैसे मैंने पेपर में करा दिया है ठीक है, अवतल ठीक है, मीन्स यहां पे ये कॉनवेक्स की क्या आएगा कॉनकेव, कॉनकेव देखिए। अब जहां पे इसमें आपको डिस्टेंस क्या गिवन है, ये आप ए इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ठीक है। अब कॉनकेव मिरर है मीन्स अवतल दर्पण है, इसके लिए अपन जानते हैं एक लेंस एस जो फॉर्मूला होता है न्यूटन्स फॉर्मूला ठीक है, न्यूटन्स फॉर्मूला से अपन जानते हैं एफ इज इक्वल टू क्या होता है रूट ऑफ एक्स वन एक्स टू, यहाँ एफ तो क्या है इसकी फोकल लेंथ ठीक है, फोकल लेंथ अपन क्या कर सकते हैं आर बाई टू ठीक है, R by 2 करेंगे तो F R कितनी इसकी A है, तो F is equal to क्या जाएगी A by 2, ये हो गई।
अब x1 ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, x2 इमेज की डिस्टेंस। तो यहां पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या दे रखी है, आपसे कह रहा है कि यहां पे दर्पण की फोकस, दर्पण के फोकस से दूरी, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है b, तो x1 की वैल्यू तो b दे रखी है। अब x2 आपको निकालना है, यहां पे x2 निकालना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करेंगे तो a² / 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, bx2। तो x2 कितना आ गया, से x2 इज इक्वल टू a² / 4b। तो a² / 4b कौन सा आंसर आएगा, ये थर्ड आ गया इसका आंसर, ये लो। ठीक है, तो इस पेपर ने ये क्वेश्चन सॉल्व किए सारे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपका पेपर अच्छा गया होगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, बढ़िया करते रहो। ओके, फिर मिलते हैं, गुड बाय।